भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष नेता व नगर सेवक गरीबों को घर से कर रहे हैं बेघर करने का षड्यंत्र। आपको बता दें कि भिवंडी के कामतगढ़ क्षेत्र वार्ड क्रमांक 22 में विरोधी पक्ष नेता के विरोध में स्थानीय जनता भिवंडी मनपा के भ्रष्ट अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों के मिलीभगत से पूरे भिवंडी शहर में अवैध निर्माण जोरों से चल रहा है। तो वहीं पर कामतगढ़ परिसर के नगर सेवक व विरोधी पक्ष नेता श्याम अग्रवाल अपने ही वार्ड की जनता द्वारा बनाए जा रहे रहने हेतु घर को अवैध बताकर मनपा प्रशासन को पत्र दिया, जिसे गंभीरता से लेते हुए आज मनपा के अधिकारी की टोली गरीब जनता को बेघर करने पहुंची। लेकिन सेना के विधायक रुपेश मात्रे, पूर्व महापौर तुषार चौधरी, उप महापौर मनोज काटेकर, पूर्व नगर सेवक कमलाकर पाटिल व जनता ने विरोधी पक्ष नेता के विरोध में रास्ता पर उतरकर नारेबाजी कर बैनर फाड़कर विरोध जताया। स्थानिकों ने जानकारी देते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि कहीं न कहीं चुनावी रंजिश को लेकर स्थानीय नगर सेवक श्याम अग्रवाल अपनी इस करतूत को गरीब जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं हमारे चैनल के माध्यम से पूरब के विधायक रुपेश मात्रे, पूर्व महापौर तुषार चौधरी, पूर्व नगर सेवक कमलाकर पाटिल, उप महापौर मनोज काटेकर सहित समाज सेवक साईनाथ चौधरी ने हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि हम अपने वार्ड की जनता पर अत्याचार होने नहीं देंगे और हमें इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करनी पड़ी तो हम जनता के साथ हैं। साहेब, ह्या वार्डामध्ये भाग्यनगर, आशीर्वाद नगर, गणेश नगर ह्या प्रभागामधल्या जे नवीन बांधकामं, ज्यांनी जुनीच बांधकामं जे अनेक वर्षापासून आहे, 10x10 खोल्या आहेत, परंतु त्यांचं परिवार वाढल्यानंतर आता त्यांना दुरुस्त करण्यासाठी ते घेतलेलं आहे। हा त्यांच्या संदर्भात नगरसेवकांनी या ठिकाणी पत्र दिलेलं आहे। सर्वप्रथम तर मी ह्या गोष्टीचा निषेध करतो, कारण कोणत्याही प्रकारचं चुकीचं अशा प्रकारचं पत्र देणं हे बरोबर नाही। सूडबुद्धीने करण्याची कारवाई आहे। पक्षाचं काम त्यांनी केलं किंवा नाही केलं म्हणून पत्र दे किंवा माझं काम केलं नाही म्हणून तुझ्या विरोधात पत्र देतो, तू माझ्या बाजूला ये असं सांगणं हे चुकीचं आहे। लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचं काम करणं हे लोकप्रतिनिधीला शोभत नाही। आणि ह्या प्रभागात जी घरं आहेत गेली अनेक वर्षापासूनची आहेत, आज आपल्याकडे कायदा आहे 95 ते 2000 सर्व घरं कायम केलेली आहेत। शासनाचा जो GR आहे त्या GR प्रमाणे जरी पाहिलं तरी ही घरं जुनी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही। मी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की हे फक्त नगरसेवकाच्या अर्जामुळे आम्हाला कारवाई करायला लागते। अशा प्रकारची कारवाई करणं देखील प्रशासनाची चूक आहे, कारण भिवंडीमध्ये अशी कारवाई आपण करायला गेलो तर किमान 75% भिवंडीवर कारवाई करावी लागेल आणि ती शक्यच होणार नाही। तेव्हा या ठिकाणी या कायद्याचं आपण सर्वांनी पालन केलं पाहिजे, नियमाचं पालन केलं पाहिजे आणि चुकीचा जो प्रकार चाललेला आहे याला थांबवण्याचं काम केलं पाहिजे। आणि म्हणून आज या ठिकाणी जे सूडबुद्धीने ज्या नोटिसा दिलेल्या आहेत आणि कारवाई संदर्भात सांगितलं होतं की कारवाई थांबवलेली आहे, आणि मी ह्या गोष्टीचा निषेध करतो। आज संपूर्ण जनता ह्या विभागाची जी आहे संतप्त आहे, तर जनतेच्या भावना आपल्याला या ठिकाणी माहीत आहेत कशा प्रकारच्या आहेत। इलेक्शन हे 5 वर्षांनी येत असतात, इलेक्शन 5 वर्षांनी पुन्हा येतील। पक्षाचं काम कोण करतो किंवा कोण करत नाही, माझं काम कोण करतो, दुसऱ्याचं कोण करतो, यासाठी जर आम्ही अशा प्रकारे सूडबुद्धीनं कारवाई करायला लागलो तर या हेच कुठंतरी लोकशाहीला घातक आहे, चांगलं नाही आहे। आणि म्हणून मी त्या लोकप्रतिनिधीला माझी विनंती असेल की आपण चुकीच्या मार्गाने अशी कारवाई करणं बरोबर नाही, यापुढे सांभाळून राहा, अन्यथा लोक आपली जागा आपल्याला दाखवतील। ऐसे नगरसेवक जो इलेक्शन के टाइम किसी पार्टी का काम किए, हमारा काम नहीं किए, उसका बदला लेने के लिए लोगों को परेशान करेंगे, उनके घर बन रहे हैं, उनको अनुचित ठहरा के तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ हम यहाँ पे जनता के साथ में रहेंगे। भिवंडी शहर में ऐसे बहुत ही झोपड़पट्टियाँ है, इसमें ही ये झोपड़पट्टी है, जैसे आशीर्वाद नगर है, शिवाजी नगर है, भाग्य नगर है, गणेश नगर है, हनुमान नगर है, ऐसी पूरी झोपड़पट्टी जी है वो गवर्नमेंट की जगह में बैठी रही है। ये झोपड़पट्टी में यहाँ पे रहने वाले लोग जो 85 से 90 तब से रह रहे हैं, आज ये घर वाले जो रह रहे हर एक घर 10x20 के अंदर ही रहेगा, इसके बड़ा नहीं है। और जो झोपड़पट्टी है उसको पक्का बन रहे हैं, तो पक्का बनाने के टाइम पे अगर ये लोगों को तकलीफ देंगे तो यहाँ का एक भी हम लोग शिवसेना पार्टी की तरफ से, और मैं उपमा को रहेंगे रास्ते में यहाँ जनता के साथ में खड़ा रहूँगा, कोई तोड़ने का ये कार्रवाई को रोकने के लिए हम लोग उनके साथ मिलेंगे। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इनलीगल बांधकाम के विरोध में नहीं हूँ,
जो काम कर रहे हैं, लेकिन पहले हकीकत में जिस जगह पर जाओ, उस एरिया में जाओ जहाँ पर लोगों को 10x10 के रूम को आज जो गिरने आए थे, वही लोग अपना थोड़ा सा पैसा जमा करके दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाते, लेकिन वो घर बनाने की कोशिश करते 10x10 का और अपना घर बनाते। ऐसे में जरा ऐसे नगर चौक जो चुन के आए, ये जब दादागी करके लोगों को घर तोड़ाने का सोच रहे, ये कभी नहीं होने देंगे। आज तक 15-20 साल हो गए, इस एरिया में महानगर पालिका का कोई भी अधिकारी यहाँ पर आया नहीं। हम लोग उनको मना नहीं करते आने के लिए, लेकिन जिस तरह की इनकी दादागिरी चली है, वो दादागिरी को हम लोग विरोध करते हैं। 2008 में यहाँ से प्रभाग टीम में जितने झोपड़ा है, वो झोपड़ा सब पक्का बनाने के लिए कॉरपोरेशन के तत्कालीन आयुक्त उन्होंने और स्टैंडिंग महासभा में सब विषय भी हुआ कि जितना झोपड़ा है उसको सीधा पक्का करो और उनसे पक्का घरपट्टी वसूल करो, ताकि वो तो पूरा सुविधा लेते हैं, पानी, लाइट, रास्ता। इसीलिए तभी अपने खाली प्रभाग तीन में से लगभग 100% सभी लोगों ने पक्का घरपट्टी के तौर पे पैसे आज तक पे कर दिया है। इसीलिए लोग जिसका पतरे का घर है टूट रहा है, वो टूट रहा हुआ पतरे का घर खाली चारों तरफ से दीवार बना के बना रहे, कोई बिल्डिंग या कोई व्यापारी संकुलन नहीं बना रहे यहाँ पे। सिर्फ ये एक दूसरे से पार्टी के हिसाब से ईर्ष्या और द्वेष के हिसाब से राजनीतिक कार्रवाई करने का सोच रहे, लेकिन मैं अपने जनता की तरफ से और पूरी हमारे जो वरिष्ठ है उनकी तरफ से मैं विनती करता हूँ कि सभी घर वालों को, जो भी अपने अपने को वोट दिया नहीं दिया, उनका सभी गरीब लोगों का, जो लोगों ने आज भी घरपट्टी पक्के का भर रहे, उनको उनका घर बनाने का हक है। वो उनके घर के अलावा दूसरे के घर नहीं ले रहे, ना ही व्यापारी संकुलन बना रहे। इसके लिए उनको अगर कोई कार्रवाई कर ले, यहाँ पे कॉरपोरेशन से कोई आएगा तो आज हमारे इधर हजारों संख्या में हमारे लोग जमा हुए, कल उठ के अगर वापस कुछ ऐसा करेंगे तो लाखों की संख्या से जमा हो जाएंगे लोग। अपना पसीना, खून पसीने से बांधे हुआ घर तोड़ने के लिए कोई ऐसा किसी से पैसा लेके घर बांधा नहीं, अपने खून पसीने का पेट मार के जो घर बनाते, और किसी का तबलीग नहीं, आजू बाजू वाले का किसी का कंप्लेंट नहीं, फिर भी तुम लोग झूठे मूठे एक 10x10 का झोपड़ा है उसको 3 माले का फोटो लगाते और उधर बता देते कि ये 3 माले का बना है। तो ये सब झूठे फाइलें हैं, आज भी महापौर लगे पड़े। मैं हमारे आमदार साहब, महापौर साहब, उप महापौर साहब को मैं विनती करता हूँ कि ये फाइलें मंगा के उनको चेक करो कि ऐसे झूठे मूठे कंप्लेंट किसी का कमलाकर पाटिल के नाम पे कंप्लेंट करने का 10 झूठे लोगों का साइन लेके कंप्लेंट कर रहे, ये झूठे मूठे कंप्लेंट लेके अधिकारी लोगों को भड़का के और ये कार्रवाई सुरबुद्धि से कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब रुकना चाहिए, अगर ये इधर नहीं रुका ये आज चार मोहब्बत से आगे चल के फिर शिवसेना स्टाइल से भी हो जाएगा। ये उनको मजा नहीं आता कि घर बनाए तो पैसा उनका ज्यादा नहीं आया कि घर बनाए, उनका जब घर टूटता है कुछ भी होता है तभी वो घर बनाने के लिए जाते हैं। तो अगर समझो परमिशन महानगर पालिका उस चीज को परमिशन 10x10 को परमिशन है तो क्यों नहीं वो लीगल बनाएगी, लेकिन महानगर पालिका यहाँ पर कोई परमिशन नहीं देती तो मजबूरन कारण हुआ उनको वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ के जो नगर सेवक है जनता ने उनको चुन के दिया तो लोगों की रक्षा करने के लिए दिया, ये तो लोगों का भक्षक बन गया आज की तारीख में। यहाँ पर ये नगर सेवक को कोई चीज की पड़ी नहीं है कि ये लोग बहुत सालों से जब पैसा जमा थोड़ा थोड़ा करके जमा करके और पैसा जमा करके और फिर उसके बाद में घर बनाते, ये उन चीजों को नजरअंदाज करते हुए कोई उसके अगेंस्ट में कोई काम किया होगा कुछ भी किया होगा उसके अगेंस्ट में लेटर भेजता है इलेक्शन में, ये पूरा इलेक्शन का जो गुस्सा है ये पूरा निकालने की तैयारी दिला नहीं। आता पर काम करा म्हणून सांगितलं आम्ही केले आणि आता भी आम्ही त्यांनाच विचारणार आणि काम करणार, आम्ही दुसऱ्या नगर सेवकाशी जाणार नाही। आता आम्हाला धमकी दिली त्याने दिल्याने, त्याच्याकडे का जाता, सैन्यवाल्याकडे का जाता, त्याचंच का ऐकता, आम्हाला का नाही सांगत येऊन, तू नगरसेवक आहे का, नगरसेवक आहे का दिन्या, नाही ना, त्याची बायको आहे ना, त्याच्या बायकोने येऊन आम्हाला बोलावं त्याचं उत्तर आम्ही देतो, त्याचा अधिकार आम्हाला विचारायचा नाही आहे, आम्ही कुठे जातो कुठून येतो तो कोण विचारणार आम्हाला, दर्शकों आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।